मैं एक महीने से रोज 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, कल से मैं तुम्हें 40 रुपए की दवाई दूंगा, 10 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, पर डॉक्टर साहब एक बात बताओ, मेरे को तो खांसी थी, फिर आपने मोशन लगने वाली दवाई क्यों दे दी? वो इसलिए तू अब खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे इस मोटे पेट का कुछ करो। इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है। वो क्या डॉक्टर साहब? तुम रोज सुबह 2 ही रोटियां खाया करो। ठीक है, पर एक बात बता दो डॉक्टर साहब, ये 2 रोटियां खाने से पहले खानी है या खाना खाने के बाद में? ओहो, चल रोटियों को छोड़ो, स्वास्थ्य के लिए आप रोज एक्सरसाइज किया करो। डॉक्टर साहब मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट और टेनिस भी खेलता हूँ। अच्छा ये बताओ तुम रोज कितनी देर खेलते हो? जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। ओहो बड़े मूर्ख हो यार, तुम तो पागल हो गए हो, कैसे हुए? मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी की, तो मेरी वो बेटी मेरी माँ बन गई। उसके घर बेटी हुई तो वह मेरी बहन हुई, मगर मैं उसकी नानी का शोहर था, इसलिए वह मेरी नवासी भी हुई। इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और अबे चुप कर, मुझे भी पागल करेगा क्या? लो ये मैं दवाई लिखता हूँ। डॉक्टर साहब दवाई जरूर लिखो, लेकिन कड़वी मत लिखना। अरे चुप कर बैठ। डॉक्टर साहब दवाई जरूर लिख दो, पर कड़वी मत लिखना। रमत तेरी खातर 1 किलो जलेबी लिख दूं। बैठ जा, ज्यादा मत बोल। डॉक्टर साहब पर्चे पर ऐसा क्या लिखते हो जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? मैं लिखता हूँ मन्नत तो लूट लिया और तू भी लूट ले।